कांग्रेस नेता रहे माधवराव सिंधिया की जयंती को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी द्वारा माधवराव सिंधिया की जयंती मनाने पर कहा है कि जो नेता कभी बीजेपी में नहीं रहे सत्ता के लिए उनकी जयंती बीजेपी मना रही है। वहीं इस पर बीजेपी ने अपना पक्ष अब रख दिया है। इसी को लेकर मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधवराव सिंधिया की जयंती धूमधाम से मना रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर जी, ये चर्चा हो रही है कि माधवराव सिंधिया बीजेपी के नेता कब से हो गए? देखिए, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिन महान पुरुषों का इस देश प्रदेश के विकास में योगदान रहा है, हम उन सब की जयंती जन्म जयंती मनाते हैं। आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप देखिए महात्मा गांधी जी, आप देखिए हम बाबू जगजीवन राम जी की जयंती मनाते हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले इनकी सबकी जयंती मनाते हैं हम। श्रीमंत कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी की भी जयंती मना रहे हैं। अरे भाई, अगर वो कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस को कौन ने रोका है उनकी जयंती धूमधाम के साथ मनाए? नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, सिर्फ राजनीति में जिंदा रहने के लिए, सिर्फ प्रेस मीडिया पत्रकार जगत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया में जिंदा रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप लोगों को भ्रमित करने का काम, इसके अलावा कोई काम बचा है कांग्रेस के पास? वो उदाहरण बताएं मुझे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चा तो है ही, कांग्रेस भी ये कह रही है कि माधवराव सिंधिया तो कांग्रेस के नेता रहे, बीजेपी उनको टेक ओवर कर रही है। अरे मेरा ये कहना है कि भाई तुम अगर रहे तो उसको तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुमको किसने रोका? वो तो मनाते ही करते, मनाते तो करें ना, उन्हें तो और खुशी होनी चाहिए। तो अब आप माधवराव सिंधिया के सारे इवेंट कार्यक्रम बीजेपी के सभी नेता मनाएंगे? हम सब लोग, हमने पहले ही कह चुके हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्र के उत्थान में प्रदेश के उत्थान में जिनका योगदान है हम उनकी सबकी जयंती मनाते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं और मनाते रहेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, साफ कहना है कि माधवराव सिंधिया की जयंती भारतीय जनता पार्टी मना रही है तो कांग्रेस भी मनाती रहे, किसने रोका है? अब राजनीति तो होगी क्योंकि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद अब बीजेपी उनकी जयंती मना रही है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।